हेलो स्टूडेंट्स, नाइन्थ इंग्लिश में आज इम्पोर्टेंट पैसेज जो आपकी परीक्षा उपयोगी है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आपको जो पैसेज है जो आने वाले हैं, द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन, ये पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। पैराग्राफ पूरा, द फर्स्ट कंप्यूटर वॉज बिल्ट इन दिस अर्ली 19th सेंचुरी बाय चार्ली बाबेज, ही कॉल्ड इट अ डिफरेंस एंजिन, इट कुड कैरी आउट लॉन्ग कैलकुलेशंस। आपको पता है जो फर्स्ट जो पहले कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, इसका नाम क्या है, चार्ल्स बाबेज। ये कंप्यूटर कैन वर्क आउट कैलकुलेशन एंड प्रोवाइड आंसर टू कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स इन अ फ्लैश, अ मैन वुड टेक डेज और इवन मंथ्स टू वर्क द सेम थिंग आउट, बट इट कैन नॉट डू things on it own, all the information it needs to do something, it fed into this information is called data, then it must be given clear and practice instruction about what to do with data, these instructions have to be in a language that the computer understand, the information and the instruction make up a computer program, if a computer gives an incorrect answer, something must be wrong with the program and not with the machine. अब एमपीयू ये सॉल्यूशंस दिए गए हैं। पहले क्वेश्चन आएगा, व्हाट टू थिंक्स ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज जू। सेकंड, थर्ड सीरियल क्वेश्चंस है, इसके आंसर आपको इसी पैसेज में मिलेंगे। इस क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, इट कुड कैरी आउट लॉन्ग कैलकुलेशंस एंड प्रिंट द रिजल्ट। सेकंडली, अ कंप्यूटर प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन। थर्ड आंसर इज, अ कंप्यूटर इज बेटर देन अ ह्यूमन ब्रेन बिकॉज़ इट सॉल्व प्रॉब्लम मच फास्टर एंड मोर एक्यूरेटली देन ह्यूमन ब्रेन, एंड फोर एक्यूरेटली एंड फाइव इंडिपेंडेंटली। चलिए इसी तरह आप रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द गिवन बिलो। स्मोकिंग इज द सिंगल लार्जेस्ट प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड। यानी जो स्मोकिंग करना है वो चीज जो है बहुत सारे जो है वर्ल्ड के लोग विश्व के जो है इसी कारण से क्या हो रहे हैं, मृत्यु उनकी तेजी से बढ़ रही है। इट इज किलिंग अबाउट 2200 पीपल इन इंडिया एवरी डे, दैट मींस वन एवरी डे 40 सेकेंड्स। यानी 40 सेकेंड में क्या हो रही है, 2200 व्यक्तियों की मृत्यु हो रही है इस जो है नशे के कारण। इट इज अलार्मिंग इन स्पाइट ऑफ द स्मोकिंग इन Increasing among youth of India, according to World Bank study, India, Indonesia, and China are the only countries in the world where smoking is going up. It is increasing not only in cities but also town and villages. High educated groups are also talking to smoking more readily. Question: how many people in India die in a day due to smoking? How many means कितने जो है व्यक्ति, तो 40 सेकंड में 2200 व्यक्तियों की मृत्यु हो रही है। सेकंड, इन विच कंट्रीज इज स्मोकिंग गोइंग अप, स्मोकिंग इज गोइंग अप इंडिया में होता है, इंडोनेशिया एंड चाइना। नेक्स्ट, हु आर टॉकिंग अप स्मोकिंग मोर रेडली, हायर एजुकेटेड ग्रुप्स आर टॉकिंग स्मोकिंग मोर रेडली। फिर फोर, गिव अ वर्ड फ्रॉम अ पैसेज दैट मींस अ रीजन कॉज। देन फाइव, find a word from a passage that means pretty in a worrisome. First है इसका cause है, C क्या है, C is a right answer, alarming है, आप सावधान हो जाओ, ठीक। इसी प्रकार आपको ये homework भी दे रही हूँ, then आप इसको अच्छे से read करना और लिखना। ये passage है, इसके बाद ये पैसेज को भी आपको लिखना है, रिटन वर्क है। सब इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चंस हैं दिए गए हैं और इसके आंसर्स दिए गए हैं, ठीक है। अब इसको अच्छे से लिखिएगा, ठीक। इसी प्रकार होमवर्क ये टेस्ट के लिए है, इसमें टेस्ट देना है आपको, आप इसको पढ़ना, रीड द फॉलोइंग पैसेज, इस पैसेज को पढ़ें और
देना, ठीक है? आपको यहाँ से पढ़ना है पैसेज हो गया या आपके प्रश्न, ठीक है? मैंने उत्तरों को आपको देख के लिखना है। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आपको पढ़ना है और इस प्रश्नों के उत्तर आपको देना है।